ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग योगेन अंधारे के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करीन रायपुर दौरा। एबेरा श्री शाह के जनजाति समाज, अनुसूचित जाति समाज और सहारा इंडिया के निवेशक मन करीन अभिवादन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हा मीडिया संगठन ले ब्रेकिंग न्यूज के नाम मा गलत सूचना के प्रसार ले बांचे बर सावधानी बरते के करीन अपील। और भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हा करीन युवा मन ले गोड बात। छत्तीसगढ़ी भाषा के अध्यापक के भर्ती के संगे संग करीन कतकोन घोषणा। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ले आज रायपुर में जनजाति समाज, अनुसूचित जाति समाज और सहारा इंडिया के निवेशक मन के प्रतिनिधि मंडल हा भेंट करीन। इकरे संग प्रतिनिधि मंडल हा केंद्रीय मंत्री के अभिवादन घलोक करीन। ये समाज के प्रतिनिधि मंडल हा 12 जाति मल्ला जनजाति समाज और महारा समाज ला अनुसूचित जाति समाज में शामिल करे के संगे संग सहारा निवेशक मन बर रिफंड पोर्टल शुरू करे बर केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार जताइन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हा मीडिया संगठन मन ले ब्रेकिंग न्यूज के नाम ले गलत सूचना के प्रसार ले बांचे बर सावधानी बरते के आग्रह करीन। नई दिल्ली में पांचवा ओडिशा पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में श्री ठाकुर है ए बात के जोर दिन कि पत्रकार आम लोगन तक सूचना ले तुरते सही ढंग ले प्रसारित करे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। उमन कहिन कि फर्जी और पेड न्यूज देश में दियार असन फैला थे और कोविड महामारी के दौरान यह वायरस ले ज्यादा लोगन मन के जान ले है। श्री ठाकुर कहिन कि गलत सूचना विशेष रूप ले दूर दराज के क्षेत्र में डर के मानसिकता ला जन्म देते जेहा टीकाकरण के प्रति लोगन मला भय पैदा करे मा काम करा थे। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। बछर 1927 में यही दिन बॉम्बे स्टेशन ले एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के डहर ले पहली बार प्रसारण हुई थी। 8 जून 1936 के इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सेवा ला ऑल इंडिया रेडियो के नाम दे गई रही। अगस्त 1937 में केंद्रीय समाचार संगठन अस्तित्व माइस। लोकप्रिय फिल्म संगीत के विख्यात विविध भारती सेवा के शुरुआत बछर 1957 में हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कहिन कि सामुदायिक रेडियो जन भागीदारी और जन आंदोलन में बड़का भूमिका निभा सकते। दिल्ली में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन करत उमन किहिन समुदाय तक सूचना के प्रसार में सामुदायिक रेडियो हा बड़का योगदान दे है। केंद्रीय मंत्री है किहिन कि सामुदायिक रेडियो शुरू करे में लाइसेंस जारी के प्रक्रिया ला सरल बना दे गई है। ये बेरा में केंद्रीय मंत्री हा राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार घलोक प्रदान करीन। उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा कहिन कि सामुदायिक रेडियो चलिया देश के लोगन ले जोड़े रहे के जरूरत ला पूरा करत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में छत्तीसगढ़ी भाषा में अध्यापक मन की भर्ती करे की घोषणा करे हैं। मुख्यमंत्री हा आज रायपुर में युवा मन के संग भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बेरा में राज्य में दंत चिकित्सक के 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ करे और धमतरी स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय में पीजी कोर्स शुरू करे के ऐलान करीन। उमन स्वास्थ्य केन्द्र में फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति और फिजियोथेरेपी कॉलेज में छात्रावास की व्यवस्था करके घोषणा घलो करीन। प्रदेश में होइया विधानसभा चुनाव ला देखत जम्मू जिला के रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी मन बर रायपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन करेगी। 4 दिवसीय प्रशिक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय डहले आयोजित करेगी। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में आयोजित ये प्रशिक्षण में देश के आने आने राज्य ले आए राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर मन निर्वाचन ले जुड़े कतकोन विषय के जानकारी दिन। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले है उद्घाटन सत्र में प्रशिक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दिन। ये बेरा राज्य भर ले आए लगभग 300 ले ज्यादा अधिकारी मतदान के संगे संग मेडिकल इमरजेंसी ले बचाव संबंधी प्रशिक्षण देगी। केंद्र सरकार की योजना मन के प्रचार प्रसार करे बर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी डहर ले संपर्क ले समर्थन अभियान चलाए जाते। यही बेरा में कल राजनांदगांव जिला के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉ नीरेन्द्र साहू हा ये अभियान की शुरूआत करीन। ये दौरान करेठी और बड़भूम गांव में जन चौपाल लगा के आम लोगन मला केन्द्र सरकार के आने आने जन कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी दिन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय।
हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ो माचे समाचार कोती। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हां आश्वासन दिन है कि केंद्र सरकार ओ क्षेत्र में बाल देखभाल संस्थान स्थापित करे पर सहायता उपलब्ध करही जिहां लड़का मन के खिलाफ अपराध की संख्या बढ़ जात है और अतिरिक्त संसाधन नहीं है। श्रीमती ईरानी हां काली मुंबई में बाल संरक्षण सुरक्षा और कल्याण विषय में क्षेत्रीय संगोष्ठी में ये बात कहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली रायपुर में आयोजित दास्तान ए कबीर कार्यक्रम में सम्मिलित हुईन। ओमन संत कबीर के दास्तान गोला पूरा सुनिन। ए बेरा मां श्री बघेल किस्सा गोई के माध्यम ले कहे सुने के परंपरा ला जोरदार ढंग ले लोगन मन के आगू लाए बर कार्यक्रम में प्रस्तुति देवैया युवा कलाकार मन के पहल की प्रशंसा करीन। मुख्यमंत्री कहिन कि कबीर हम सुनत आवत हन और सुनत हन। श्री बघेल कहिन कि पुस्तक पढ़े में जे बात समझ नहीं आए वो छोटे छोटे कहानी और घटना के माध्यम ले समझे जा सकत है। दुर्ग जिला के मोहन नगर थाना क्षेत्र स्थित बॉम्बे आवास में आज बिहनिया छापामार कार्रवाई में पुलिस 10 संदिग्ध मन के मल गिरफ्तार करे है। 18 निरीक्षक और लगभग 250 पुलिस कर्मी आज बिहनिया इस क्षेत्र के जम्मू इलाका ला घेर लीन और संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करीन। जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव बतेन की ये कॉलोनी शहर ले दूरिया हो के सेती यहाँ के कतको कन घर में आपराधिक प्रवृत्ति के मनखे मन के रहे के जानकारी मिलत रहीस जेकर आधार में कार्रवाई करेगीस। जिन मल गिरफ्तार करे है उनकर ऊपर आने आने थाना में वारंट और चोरी के मामला दर्ज है। पुलिस ये कार्यवाही में स्थानीय लोगन मल राहत महसूस करत है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती हर। ए बेरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के छायाचित्र में श्रद्धा सुमन अर्पित करीन। मुख्यमंत्री है स्वतंत्रता पर उनकर संघर्ष ला याद करत कहिन कि ओमन अपन जिंदगी देश प्रेम में समर्पित कर दीन। उन्हें अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बिसहू दास महन जी के पुण्यतिथि में मुख्यमंत्री है उमला श्रद्धा सुमन अर्पित करीन। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अब राज्य में लघु फिल्म के माध्यम ले जन जागरूकता के प्रयास करे जाही। एकर पर लोगन मन ले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव के तहत लघु फिल्म बनाए पर प्रविष्ट आमंत्रित करे गये है। छत्तीसगढ़ी पुलिस के अभियान में लघु फिल्म में अलग अलग श्रेणी में राज्य सरकार डाले पुरस्कृत करे जाही। प्रतियोगिता में भाग लेवैया इच्छुक प्रतिभागी 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते। एकर जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट ले जा सकत है। लघु फिल्म छत्तीसगढ़ी गोड़ी हल्बी धुरवा के संगे संग आने आने स्थानीय बोली में होगी। फिल्म की समय सीमा 2 मिनट निर्धारित करेगी है। और अब समाचार थोड़कुन सार मा। छत्तीसगढ़ राज्य और राज्य के बाहर के पात्र यूट्यूब चैनल इम्प्लीमेंट करे पर जनसंपर्क संचालनालय है और यह 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करे है। और गरियाबंद के तीर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दुर्लभ वन्य जीव पेंगोलिन अने साल खपरी के तस्करी के मामला में वन विभाग की टीम है उड़ीसा के 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह करीन रायपुर दौरा। ए बेरा श्री शाह की जनजाति समाज औ अनुसूचित जाति के संगे संग सहारा इंडिया के निवेशक मन करीन अभिवादन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हा मीडिया संगठन ले ब्रेकिंग न्यूज के नाम में गलत सूचना प्रसार के बांचे बर करीन अपील। और भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री करीन युवा मन ले गोड बात। छत्तीसगढ़ी भाषा के अध्यापक की भर्ती के संगे संग करीन कतको घोषणा। एक संगे समाचार बुलेटिन यहां सिरावत है। जय जोहार।